यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भले ही रेलवे बड़े बड़े दावे करे, लेकिन रेलवे में रिश्वतखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर में समय संवाददाता ने ट्रेन में जारी रिश्वतखोरी का स्टिंकर खुलासा किया है। ट्रेन में टीटी कैसे यात्रियों से मनमाना पैसा वसूलते हैं, ये स्टिंग में साफ साफ दिखाई देता है। वीडियो में टीटी टिकट के लिए साफ साफ पैसों की मांग कर रहा है। स्टिंग के बाद इसका वीडियो रायपुर DRM को भेज दिया गया है। वहीं भाटापारा थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत कर दी गई है। मेरे को चीजें गलत लगी, देखिए रेल बजट आ रहा है और इसको लेकर हम तैयारियों पे निकले थे और इस तरह की रोज ही हम लोग देखते हैं चीजों, आज समय निकाल के हम लोग निकले, यार ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत लगता है ना। कोई भी पैसेंजर, मैं तो चलिए दे दिया उतना पैसा, जो नहीं दे पाया वो क्या करेगा बेचारा। प्लीज आप शराब भी पिए, हाँ ना छोड़ दीजिए, बस शराब पिए नहीं पिए बताइए, फिर गलत बात है ना ये सर। आप आपके ऊपर महिलाएं हैं इस ट्रेन की बोगी में, सब चीजें हैं आपके ऊपर, पूरी जिम्मेदारी है। एक अटेंडेंट नहीं है आपके यहाँ, कि आपने इसकी टिकट कहाँ बनाई है, इस पर्चे में दिखाई ना पहले आप। अरे भैया तो आप पैसा देंगे नहीं तो मैं कैसे टिकट बनाऊंगा, तो फिर आप आधा पैसे पहले से कैसे ले लीजिए, जब आप पूरा पैसा नहीं दिएंगे तो मेरे को क्या बोले कि मेरा तिल्ला में पैसा आ रहा है। आप एक साथ पैसा ले सकते हैं या पूरा पैसा ले सकते हैं? तो भैया तो आपने मेरे को बोला ना कि तिल्ला में पैसा आ रहा है करके, उसी समय बना देते ना, आपने समय क्यों लगाया? मैं तो तिल्ला में बना दे रहा हूं ना आपका टिकट, आप तो मेरे को बोले तिल्ला तो आप मुझे बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आपने इसमें कहां लिखा है बताइए। आपने 250 रुपए लिया, आपने मेरे को पूरा पैसा दिया, आपने 250 लिया ही नहीं लिया, 250 दिए लिया आपने, आप बोले कि मेरे को तिल्ला में पैसा आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा बोला मैंने, आपने बोले कि पूरा पैसा आ जाएगा, कितना पूरा पैसा, पूरा पैसा आ जाएगा बोले। वो भी मेरे पास स्टिंग में आपने सिर्फ 250 रुपए की और डिमांड करी है। 500 रुपए के हिसाब से कोई 3 टिकट नहीं बनता है, कम कर लीजिए ना सर, थोड़ा सा स्टूडेंट के नाते स्टिंग के जरिए दिखाया गया रेल बजट पेश होने वाला है। रेल में तमाम जो जिस तरह की बातें करेंगे, रेल मंत्री की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है भारतीय रेल की तरफ से, लेकिन इस तरह से साफ तौर पर TTE लोगों को परेशान करता हुआ दिखता है। टिकट के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं मनमाने तरीके से, साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए समय ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह की हरकतें TTE की होती हैं। फर्जी टिकट वो तैयार करते हैं और पैसे उनके जेब में जाते हैं। रेलवे को इसका नुकसान उठाना पड़ता है और कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशान किया जाता है। आप शराब भी पिए।